रामू जी मालकिन, तू मेरी बेटी से शादी कर ले। अगर तू मेरी बेटी से शादी करेगा मैं तुझे दहेज दूंगी, जो भी कुछ तुझे चाहिए सब कुछ दूंगी, बंगला, गाड़ी, कैश, सोना, जो भी कुछ चाहिए। उसके बाद तू खुशी खुशी मेरी बेटी के साथ रहना। मम्मी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं इस नौकर से शादी करूंगी? मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं कैसे उनसे शादी कर सकता हूँ, इस घर का नौकर हूँ मैं। हाँ रामू मुझे पता है कि तू इस घर का नौकर है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले, मुझे पता है कि तू उसे खुश रखेगा। अरे मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं इस नौकर से शादी करूंगी? आपको तो पता है ना ये हमारे घर का नौकर है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है बेटा, मुझे पता है कि तू इसके साथ खुश रहेगी, तभी मैं तेरी शादी इससे कराना चाहती हूँ। मम्मी आप तो मेरा रिश्ता कहीं और देख रही थी ना, तो फिर इस रामू से मेरी शादी क्यों करवाना चाहती हो? हाँ मैं कहीं और तेरा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे पता है तो किसी और लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती, क्योंकि तू तो इससे प्यार करती है ना। क्या मम्मी आप मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो कि मैं इस नौकर से प्यार करती हूँ? मैं तुझ पर कोई घिनौना इल्जाम नहीं लगा रही बेटा, मुझे मालूम है अगर मैंने तेरी इससे शादी नहीं कराई ना तो खुश नहीं रह पाएगी, और हो सकता है तू भाग कर शादी कर ले, फिर हमारी कितनी बदनामी होगी पता है तुझे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की खुशी के लिए मैं तुम दोनों की शादी करा दूँ, इसमें क्या गलत कह रही हूँ मैं? मम्मी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं इस नौकर के साथ भाग के शादी कैसे कर सकती हूँ? नहीं मालकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा उनके साथ कोई चक्कर नहीं है। रामू डरने की इतनी एक्टिंग मत कर, मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब जब मैं इस शादी के लिए मान गई हूँ तो फिर क्यों ये एक्टिंग कर रहा है? हाँ अच्छा तो आप बताना जरा क्या जानती है हम दोनों के बारे में? मैं सब कुछ जानती हूँ तुम दोनों के बारे में, कि तुम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे और तभी से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मेरे डर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या मम्मी आपको ये सब पता है, लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? अरे ये क्या कर रहे हो तुम, अगर मेरी मम्मी ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेंगी, सो रही है, अभी देख के आया। अच्छा और कब तक करेंगे यार हम ये ड्रामा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कॉलेज से लेकर आज तक मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दिया, हमेशा तुम्हारी बात मानी, और तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर में नौकर बन के रह रहा हूँ, और क्या करूँ मैं बताओ, तुम कब करोगी अपनी माँ से बात? यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जल्दी अपनी मम्मी को मना लूँगी। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ते देख रही है, कब बोलोगी यार? हाँ मैं जल्दी कुछ सोचती हूँ। तभी मुझे पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, और रामू इस घर में इसीलिए नौकर का काम कर रहा है क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है बेटा। और एक और बात कि सच कितना भी छुपाया जाए वो हमेशा बाहर आ ही जाता है। सॉरी मम्मी मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करना आंटी जी, हम दोनों ने आपको अंधेरे में रखा, ये हमने जानबूझ के नहीं किया, बस कभी हिम्मत ही नहीं हुई आपको सच बताने की, प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो, इसलिए मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों का तरीका गलत था, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। अगर तुम दोनों पहले ही मुझे बता देते कि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो मैं तुम दोनों की शादी करा देती, क्यों मना करती मैं? बेटा तू कितनी लकी है कि तुझे रामू जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला, वो तेरे प्यार के चक्कर में इस घर में नौकर बन के रह रहा है पता नहीं कितने महीनों से। मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी, आ जाओ बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।